देखो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको संधारित्र कह रहा हूँ, धारिता कराया था। धारिता का कॉन्सेप्ट क्या था कि मैंने एक चालक को लिया था, ये, और चालक को आवेश क्यू देना शुरू किया था। जैसे जैसे मैं क्यू आवेश देता जा रहा था, तो इस चालक का विभव कैसा हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। इसलिए क्यू बराबर सीवी आ रहा था। इस सीवी को मैं क्या बोल देता था, धारिता बोल रहा था। धारिता का मतलब क्या है, आवेशों को अपने ऊपर रखने की क्षमता। ये कोई चालक अपने कितने आवेश अपने ऊपर रख सकता था। फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, गोला, कार, चालक, धारिता। गोलाकार चालक की धारिता का मतलब क्या होता है, मान लो ये एक गोलाकार चालक था, इसको मैंने यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दिया, तो इसका आपके पास अगर इसकी त्रिज्या आर है, तो सी इक्वल टू कितना आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसलिए सी समानुपाती आर। रिजल्ट ये आता है, यदि किसी चालक के ऊपर आवेशों को एकत्रित कराना है, तो उसका आकार और आकृति आपको क्या करना पड़ेगी, बढ़ाना पड़ेगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता, तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसी डिवाइस बनाता हूँ जिसमें चालक का आकार और आकृति परिवर्तित करे बिना उसकी धारिता को मैं बढ़ा देता हूँ, तो वो जो डिवाइस बनती है वो संधारित्र कहलाती है। तो ये मेरे पास क्या कहलाती है, संधारित्र। ठीक, तो संधारित्र मेरे पास क्या है, वह है युक्ति है जिसमें चालक का आवेश, चालक का आकार एवं आकृति परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता को बड़ा दिया जाता तो संधारित्र मेरे पास क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें मैं चालक का आकार और आकृति परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा देता हूं। इसका प्रिंसिपल अर्थात मैं इसका सिद्धांत आपको समझा देता हूं। इस सिद्धांत को आप अपनी कॉपी में इन्हीं वर्ड्स के साथ नोट कर लेंगे। मान लो मेरे पास एक चालक की प्लेट है, ये, ठीक, इस पर मैंने Q प्लस आवेश दिए हुए हैं, ये, जब मैं इसके ऊपर आवेश देना शुरू करता हूं, तो कंडीशन क्या आती है, आवेश यहां पर एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद और मैं आवेश रखना चाहूं, तो ये सारे आवेश, चूंकि इनका विभव बढ़ गया है, इसलिए दूसरे आवेशों को रखने के लिए प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, तो मैं यहाँ पर और अधिक आवेश नहीं रख पाता हूँ। इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट लेता हूँ। मैंने ये वाली प्लेट ले ली और इसके सामने एक और दूसरी प्लेट ले ली, ये।
अब जैसे ही मैंने इसको प्लस क्यू आवेश दिए, ये मेरे पास प्लस क्यू आवेश आ गए, ठीक। तो इस प्लेट के सामने मेरे पास माइनस क्यू आवेश यहाँ पर आ जाएंगे, प्रेरण आ जाएगा, और बाहर कैसे होते चले जाएंगे, प्लस आवेश आ जाएंगे, ठीक है। अब कहानी क्या होगी, जैसे ही आप इस प्लेट को रखते हैं तो ये माइनस क्यू के कारण अब इसका विभव कैसा होने लगेगा, कम होने लगेगा। अब आपको मालूम है क्यू इक्वल टू सी वी, तो आपके पास सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अगर वी का मान यहां पर कम होने लगे, विभव कम होने लगेगा, तो धारिता सी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी यहां पर देखिए ऋण आवेश है, इसके विभव को कम कर रहे हैं, लेकिन धन भी है। हम एक और काम करते हैं, स्टेट में मैं यहां पर दोनों प्लेटों को लेता हूं और इस प्लेट के ऊपर क्या करता हूं, अर्थिंग कर देता हूं। इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश थे, तो अंदर वाली प्लेट के ऊपर कैसे जाएंगे, माइनस क्यू आवेश आ जाएंगे। अब अगर इसकी फर्स्ट प्लेट है, इसका विभवांतर V1 और इसका विभवांतर V2 है, तो अब इस विभव V1 है, इसका विभव V2 है, तो अब इन दोनों के विभव V अर्थात V1 माइनस V2 का मान यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर पूरे प्लस आ रहे हैं, यहाँ पर माइनस, प्लस अर्थिंग करने से अंदर चले गए, तो विभव का मान कैसा हो जाएगा, और कम हो जाएगा। जैसे ही विभव का मान यहाँ पर कम हो जाता है, तो चालक की धारिता कैसी हो जाती है, यहाँ पर बढ़ जाती है। तो एक चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, संधारित्र लेता हूँ। संधारित्र के लिए मैं सेम टाइप की दो प्लेट या दो गोले लेता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट केस में मैंने लिया चालक पे क्यू आवेश दिया था, इस पे आवेश का मान और बढ़ाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक प्लस है, तो यहाँ पर दूसरी प्लेट लेके आता हूँ, प्रेरण के कारण इसमें माइनस और इस पर क्या आ जाते हैं, प्लस क्यू चार्ज आ जाते हैं। जैसे ही मैं अर्थिंग करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू, इसके कारण विभव का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे विभव का मान कम होता है, तो यहाँ पर चालक की धारिता कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, चालक का आकार और आकृति को परिवर्तित करे बिना उसकी धारिता को मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ। तो ये मेरे पास कंडीशन यहाँ पर निकल आती है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक आपको धारिता बता रहा हूँ, वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहां पर दो प्लेट ले ली, एक प्लेट ये ले ली, एक प्लेट ये ले ली, इस पे प्लस सिग्मा आवेश है और इस पे माइनस सिग्मा, दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर d के बराबर है। इस प्लेट को V1, इसको V2 और इसको मैंने यहाँ पर अर्थिंग कर दिया है। यहाँ पर सिग्मा क्या कहलाता है, सिग्मा आवेश घनत्व है। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर सिग्मा कितने के इक्वल होगी, q अपॉन a, ठीक है। आप इसका जितने प्लस होंगे उतने यहाँ पर माइनस होंगे, इसलिए इसका परिणाम ले लीजिए। एक ऐसा हो गया संधारित्र का क्षेत्रफल, ये वाली कंडीशन आ गई, बड़ा सिंपल है। इस पर मैंने होता प्लस क्यू आवेश दिया, माइनस क्यू, बाहरी प्लेट पे प्लस, अर्थिंग में चले गए। अब मैं इन दोनों की धारिता को निकालना चाहता हूँ, अब मैं इसकी धारिता निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बिंदु P ले लेता हूँ, बिंदु P। इस बिंदु P पर प्लेट 1 और प्लेट 2, प्लेट 1 पर पॉजिटिव है और प्लेट 2 पर निगेटिव है, इसके कारण
मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करता हूँ। तो देखो ये पेड़ वन है, इस क्षेत्र पर तीव्रता निकालना है तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर आ जाएगी। ये भी कैसा है, निगेटिव है, इधर पर पूरे निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, जिसको हमने इमेजिन कर दिया एकांक धनावेश, तो ये इसको आकर्षित करेगा, इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 के कारण कैसी हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में निकल आएगी। तो E1 माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता, एक दोनों देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए इसका परिमाण निकालो तो E बराबर कितने की आ जाएगा, E1 प्लस E2 के परिणाम की वैल्यू के इक्वल, तो E बराबर ठीक एक समांतर प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी कितना जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर कितना जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा कितने के इक्वल है, क्यू अपॉन क्या हो गया, मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध बताया था कि E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx ठीक, इसलिए मेरे पास इस समीकरण से E बराबर कितना निकलेगा, E बराबर V की जगह मैं इन दोनों का विभवांतर ले लूं, या इन दोनों का विभवांतर V1 माइनस V2 कर दूं, दोनों के बीच की दूरी कितने के बराबर हो गई, d के बराबर ठीक है। तो आप नोट करिएगा, पॉज करके लिखिएगा, देखिए इतना आपके पास समीकरण आ गया, आपके पास V1 माइनस V2, आप इस समीकरण से लिखिए कितना जाएगा, E इंटू डी आ जाएगा, E कितने के इक्वल है, Q अपॉन ये एप्सिलॉन है, Q अपॉन एप्सिलॉन A ये आ गया ठीक, इंटू डी, यानी V1 माइनस V2 इक्वल टू क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए आ गया। अब C की डेफिनेशन क्या है, C इक्वल टू क्यू अपॉन V1 माइनस V2, ये आपके पास किसकी डेफिनेशन है, C की। तो देखिए मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूँ, तो मैं जब इसको लेके चलता हूँ तो मेरे पास ये जो C निकलेगा, C का मान सॉल्व कर लीजिए, C इक्वल टू यहाँ पर C इक्वल टू क्यू V1 अपॉन V की वैल्यू रख दो, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये Q और Q कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर यानी अंश आ जाता है, तो C इक्वल टू कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के इक्वल। तो ये क्या हो गया, संधारित्र की धारिता कहलाती है। तो एक संधारित्र की धारिता जो रहती है वह है, यहाँ पर देखिए संधारित्र की धारिता किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर आपको एक संधारित्र की धारिता को निकालना है तो संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B, इसलिए C समानुपाती A, T समानुपाती 1/D, इतना मान निकल आता है। एक परावैद्युतांक माध्यम में एक परा वैद्युत माध्यम में के एप्सिलॉन के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू के इक्वल आ जाता है। तो एक संधारित्र की धारिता इतनी निकल आती है,
इसको आप पॉज करिएगा, नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड परीक्षा के लिए।